आज हम अगला एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हमारी एक अलग कैटेगरी स्टार्ट होती है, प्यूरिफाइड कंपाउंड या एसे ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स या मेडिसिनल ड्रग्स जिसे बोलते हैं। उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसे ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, टू परफॉर्म एसे ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो आज हम यही स्टडी करेंगे, इसका एम है टू परफॉर्म एसे। रेफरेंस इंडियन फार्माकोपिया 2007 वॉल्यूम 2 और पेज नंबर है 1599। ओके, इसके बाद हमें जो ज़रूरत है इसको परफॉर्म करने के लिए, उसमें केमिकल्स में वी रिक्वायर एसीटोन 0.1 मोलार पर क्लोरिक एसिड, स्टैंडर्ड है चाहिए ये वाला। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ओके एज इंडिकेटर के लिए, और एज पर द नीड हम लेंगे एक्सेट्रा। अपैरेटस में हमें चाहिए बीकर, पिपेट, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर और कोनिकल फ्लास्क, स्टरर वगैरह, एज पर नीड वी यूज देम। इसके पीछे जो थियरी या प्रिंसिपल वर्कआउट करता है, यानी इसके पीछे जो काम करता है, इसके पीछे हाथ किसका है, तो हाथ है जो दो पॉइंट्स दिए उसके। नॉन एक्वियस टाइट्रेशन से हम प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का। द एसे ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड कैन बी कैरीड आउट बाय यूजिंग नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, यानी प्योरिफिकेशन के लिए हमें टाइट्रेशन करना है। उसके बाद एसे ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इट्स डन बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज को हम इंडिकेटर बोलकर इसमें यूज कर रहे हैं। ओके, कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हमें कौन बोलेगा, मिथाइल ऑरेंज बोलेगा, जैसे उसका कलर चेंज होगा। ओके, जैसे यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, उसी तरह से कलर चेंज होने का इंडिकेशन हमें देगा मिथाइल ऑरेंज। इसके अंदर जो रिएक्शन काम करेगी वो इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड दैट रिएक्ट्स विद 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड, दैट इज पर क्लोरेट आयन यहाँ पर एडिशन हो जाता है, साल्ट बनता है जिसका कलर हमें। नेक्स्ट, एक्यूरेटली वे करना है हमें 0.6 ग्राम ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, कितना, 0.6 मीन्स 600 मिलीग्राम देना है। उसको डिजोल्व करेंगे हम 200 ml एसीटोन और 15 ml ऑफ मर्क्यूरिक, ओके मर्क्यूरिक एसिड इसके अंदर हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद टाइट्रेशन करेंगे उसका हम 0.1 मोलार पर क्लोरिक एसिड यूजिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसीटोन एज इंडिकेटर। यहाँ पर सब हमें एसीटोन में लेना है एज अ सॉल्वेंट। ओके, 0.1 मोलार पर क्लोरिक एसिड को के साथ हम उसका टाइट्रेशन करेंगे हमारे क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का, जो कि डिजोल्व है एसीटोन और मर्क्यूरिक एसिडेट के अंदर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर। पूरा होने के बाद इसका रीडिंग नोट डाउन करेंगे, तीन रीडिंग लेंगे, उसका फिर एवरेज लेंगे। ओके ओके, उसके बाद एक ब्लैंक टाइट्रेशन हम कैरी आउट करेंगे जिसमें कि सिर्फ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं होगा, ये स्टेप नहीं लेंगे। फिर 200 ml एसीटोन लेंगे, उसमें 15 ml मर्क्यूरिक एसिड डालेंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 मोलर पर क्लोरिक एसिड के साथ, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करेंगे ये सब। फिर उसको हम माइनस करेंगे हमारे एवरेज रीडिंग से और जो फाइनल रीडिंग आएगी वो रीडिंग हम कैलकुलेशन के लिए लेंगे। अगर ये करते टाइम आपका फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क अगर गर्म होता है तो उसको हम आइस बाथ में रख कर भी वर्कआउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन या स्टेचोमेट्रिक फैक्टर जो है वो इस तरह का है, 1 ml ऑफ 0.1 मोलार पर क्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 0.03553 ग्राम ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर जब आपका जो फाइनल रीडिंग आएगा उतने ml इज इक्वल टू हाउ मच, यानी वन, ये डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना समझो, 10 ml रीडिंग आ गया तो 10 हो गया तो क्या होगा, 0.3 ग्राम। ओके, हमने लिया था 6 ग्राम तो कितना आ गया, अगर ये कैलकुलेशन से आपको परसेंटेज में कितना है अपना, 0.6 ग्राम हमने लिया था और 0.5 ग्राम आया तो कितना परसेंटेज में, जैसे हमने पिछले सिंथेसिस में कैलकुलेशन किए थे उसी तरह से करेंगे और परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज प्योरिटी हमें कितना मिलेगा, कि परसेंटेज कितना ऑब्जर्व हुआ है, वो अगर हमें मिल गया है यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी में, तो वी विल प्रोसीड फर्दर, कि हमें अगर
जैसा आईपी बोलता है कि 98% से लेकर 101% तक अगर आपकी प्योरिटी आती है, इसका मतलब वो प्योर है, उसमें सिर्फ क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोर है। अगर ज़्यादा आता है तो उसमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज है, और कम आता है तो इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज या फिर क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड कम है। अगर कम आता है, ज़्यादा होता है तो इम्प्योरिटी है, कम है तो किसी इम्प्योरिटी की वजह से आपका क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड भी उसमें कम है। ओके, तो इसका कैलकुलेशन सबसे पहले हमें 0.6 ग्राम में से कितना प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। सच में उसमें अगर है तो केमिकली इट विल प्रूव दैट कि उतना है, ये आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे रिजल्ट्स। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड वॉज फाउंड टू बी, हमने लिया था 0.6 ग्राम, कितना मिला वो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पर 98 से अब या हमारे आईपी के मोनोग्राफ में जितना दिया है उस लिमिट के बीच अगर आता है तो दिस इज द परफेक्ट वन। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, वी विल फॉलो द अनदर प्रोसीजर। ओके, वो अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वर्कआउट में है या फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। ओके, अगर नहीं भी आता है तो नो इश्यू कि नहीं आया है, तो कंक्लूजन हम लिखेंगे इसका, द गिवन सैंपल ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड पासेस और नॉट पासेस, पासेस और नॉट पासेस एसिड टेस्ट एज पर द आईपी। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का जो सैंपल हमें दिया गया है वो आईपी का एसिड टेस्ट पास करता है अगर लिमिट में आ गया, अगर लिमिट में नहीं आता तो नॉट पासेस। ओके, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगर कैलकुलेशन इश्यू है तो आप मुझे कुछ डिजिट्स दे दें कि हमारा रीडिंग इतना आया उतना आया, तो वी कैन कैलकुलेट, या इफ़ यू कमिट सो वी कैन लाइव हम इसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर। इफ़ यू नीड इट देन आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज नो वरी। बट लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।